Hi guys, it's me Arya and he's my brother Dave. Hi guys. Hope you all are good and doing fine. So, आज है 19th of June, यानी कि कल है Father's Day. तो yes, आज हम दिखाएंगे आपको अपनी Father's Day की preparation. तो हम दोनों ने पापा के लिए बहुत अच्छे अच्छे से कार्ड बना लिए हैं. तो हाँ, चलो हम आपको पहले दिखाते हैं कार्ड्स. और अभी फिलहाल पापा और मम्मा मूवी देख रहे हैं, मैं भी देख रही थी. बट मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ और आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या क्या बनाया, देव ने क्या क्या बनाया. सो हाँ, चलो दिखाती हूँ मैं आपको अपने और देव के कार्ड्स. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देव की ड्राइंग है. देव की ड्राइंग मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये मल्टीपल कलर्स में है और इसमें देव और पापा बने हुए हैं. तो देव, आपने ये ड्राइंग किससे बनाई है? ये मैंने ऑयल पेस्टल कलर से बनाई है. ओके, तो कलर डिफाइन करो. ये है डार्क ब्लू. हाँ. और ये है लाइट ब्लू. ओके. और ये ऑरेंज. राइट. येलो. गुड. और ये ब्लैक्स. ओके, ब्लैक्स नहीं, ब्लैक. ओके, सो वेरी गुड. आपको आपने कलर सही सही डिफाइन किए हैं. और ये क्या है, सन है कि मून है? ये सन है, तभी इसमें शेडिंग है. ओके ओके, वेरी गुड. सो गाइज, ये फोर चीज़ें हैं जो मैंने पापा के लिए बनाई हैं. तो देव, आप खोल के दिखाओ. तो ये दीदी ने एक टाई का येलो कलर का, ये मैं बता देती हूँ. ये एक शर्ट है जिसपे टाई मैंने ड्रॉ की हुई है और ये मैंने पूरा स्केच पेन से किया है. और इसके अंदर एक मेरे पापा का सीक्रेट मैसेज है, तो मैं आपको नहीं बता सकती. तो हाँ, चलो नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट थिंग ये. ओके, सो देव इसको खोलो. हाँ, तो देव चलो ओपन करो उसको. सो ये एक हार्ट है और इसके अंदर खोलो. खोल. और इसके अंदर मैंने फादर का फुल फॉर्म लिखा है और इसके बाद हैप्पी बर्थडे बाहर सॉरी हैप्पी फादर्स डे पापा और लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आर्या. और मैंने इसके बैक साइड पे लॉट्स लव यू अ लॉट लिखा हुआ है. तो चलो देव, नेक्स्ट चीज. नेक्स्ट चीज है ये. हाँ. सो इसके अंदर है ईमेल. सो ये एक मेल बॉक्स टाइप का मैंने बनाने की ट्राई की थी. इसके इसको अगर मैं ओपन करूँगी तो यहाँ पे मैंने हार्ट ड्रॉ किया और ये मैंने हार्ट इस पर एक चिपकाया हुआ है. हाँ, तो इसके अंदर का मेल पढ़ो. चलो चलो, खोलो खोलो. ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके खोलो. हाँ चलो, ओपन इट. हाँ, तो मैंने यहाँ पे सारे लव वाले इमोजीज बनाए हैं और हैप्पी फादर्स डे, आई लव यू डैड और पिंक कलर के हार्ट्स बनाए हैं. और हाँ, अब चलो नेक्स्ट चीज को देखते हैं जो कि सबसे मेन है. हाँ, जो कि सबसे मेन है. ये मैंने एक टैब का लुक देने की ट्राई की थी. यहाँ पे मैंने गूगल लिखा है और यहाँ पे वर्ल्ड्स बेस्ट डैड और यहाँ पे मैंने सोच लिखा है. और हाँ, इधर हैप्पी फादर्स डे पापा और इधर पापा की फ़ोटो है, इधर मेरे छोटे पापा की फ़ोटो है. मैं छोटे की मैं छोटे जब मैं छोटी थी मैं कितनी क्यूट लगती थी. बहुत डरावनी. एकदम वो क्या, मैं क्यूट लगती थी, एकदम भूतिया नहीं. और यहाँ पे मैंने बहुत सारे हार्ट्स बनाए हैं. मैंने पूरा एक टाइप से फ्रेम मैंने हार्ट ही से की है. सो गाइस, भूतिया कैसी लग रही है आप बताइए कि मैं अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ. सो चलो, अब हम आपको आगे दिखाते. सो गाइज, मैंने सब अपना छुपा के रख दिया जैसे कि पापा ना देख पाए. और इसने भी यहीं पर रखा है क्योंकि आप इसने जहाँ पर रखा था वहाँ पर पापा मूवी देख रहे हैं. सो यस, और अभी हम लोग ने प्लान किया हुआ है बहुत कुछ कल के लिए, कल यानी कि 20 जून के लिए, फादर्स डे के लिए, कि हम केक बनाएंगे. सो यस, अभी अच्छी है कि कल स्कूल की छुट्टी है क्योंकि कल संडे है. सो यस, और हाँ, मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में कि दे आउट हुआ है तो इसके लिए पनिशमेंट लिख के भेजो. और आई कितनी पनिशमेंट, सिर्फ एक. सीरियसली, या मतलब
सबने इतने सारे कमेंट्स किए या पनिशमेंट भी लिख देते, पर चलो कोई बात नहीं, आप अभी भी अपनी पनिशमेंट लिख सकते हो हमारे लास्ट वीडियो में जाके, तो आप फ्यूचर में अगर हम कोई चैलेंज बात करो तो अगर हम फ्यूचर में कोई चैलेंज करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो या फिर मतलब कोई हाँ चैलेंज करेंगे तो हम लोग उसमें उसके पनिशमेंट ले लेंगे, उससे आइडिया जो आप लिखोगे लास्ट वीडियो में जितने भी लिखोगे यार आप समझ गए होगे बस। हाँ ठीक है, सो यस, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पापा मम्मा मूवी देख रहे हैं, मैं दिखाती हूँ प्लूटो से मिलाती हूँ, प्लूटो आराम से पापा के बगल में सो रहा है। तो हाँ हम जो मूवी देख रहे हैं मैंने आपको उसका थोड़ा सा पार्ट दिखा दिया, और प्लूटो सो रहा है पापा के बगल में, मैंने वो भी दिखा दिया। तो अभी मैं तो जा रही हूँ मूवी देखने, और ये तो मूवी देखता नहीं है, तो तुम क्या करोगे? मैं टैब देखूंगा तो ये टैब देखेगा। तो हाँ अभी हम जाते हैं, और जब मूवी खत्म हो जाएगी तब मैं आपसे मिलूंगी। अच्छा ठीक है भाई। सो गाइज अभी मूवी खत्म हो चुकी है फाइनली, सो अभी देव की पनिशमेंट की बारी है। यस देव की पनिशमेंट की बारी है ये। सो हाँ जो देव की पनिशमेंट लिखी थी आप लोगों ने वो थोड़ी सी टफ थी देव देव के लिए। सो यहाँ पे देव भी अच्छा ठीक है। सो यस, और अभी मैंने जो उसके लिए पनिशमेंट सोची वो मैं बताती हूँ कि क्या है। तो देव तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि जो अभी प्लूटो कर रहा है तो तुम वही सेम कॉपी करो प्लूटो, वो मेरे को आदत है, फॉर 5 मिनट। तो टाइम में लगा लूँ? मैं टाइमर लगाती हूँ। तो ये मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया। हाँ तो चलो स्टार्ट। अच्छे से करो, इधर आओ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लूटो, शिश इसकी बॉल दो मुझे। सो गाइस मेरे हाथ में है प्लूटो की बॉल, अब मैं प्लूटो की बॉल फेंकने वाली हूँ, देव भी पीछे जाएगा। सॉरी तो अच्छा तो अब ये बेड पे आ गया, बेड पे हो तुम। सो मैं एंजॉय करती हूँ देव की और देव की सिर्फ पनिशमेंट, और आप एंजॉय करो टाइम लैप्स। सो गाइस फाइनली इनकी पनिशमेंट तो कंप्लीट हो गई है, ये मिस्टर देव की जो अभी यहाँ पे लटके हुए हैं, और 5 मिनट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। बट इन्होंने बिस्तर का क्या हाल किया है, बेड का मैं दिखाती हूँ। ये बिस्तर थोड़ी देर पहले बिल्कुल सही था, देख सकते हो,
वो जा रहा है अभी भी। अरे अब तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो गई है, नॉर्मली चल सकते हो। होता क्या। सो गाइस देव की तो पनिशमेंट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको देव की पनिशमेंट में मजा आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट करके और भी अच्छे अच्छे पनिशमेंट के आइडियाज देना, जैसे कि हम आगे की वीडियोस में वो पनिशमेंट को यूज कर सकें। इतने दीदी को मारूंगा, इतने मारूंगा। सॉरी चलो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे बाहर कल के कुछ सामान लेने के लिए, केक की कुछ इंग्रेडिएंट्स और बाकी डेकोरेशन का कुछ सामान। तो हाँ तब मैं आपसे मिलूंगी, तो अभी हाँ मैं तभी मिलती हूँ आपसे। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम लोग जा रहे हैं कल के केक की इंग्रेडिएंट्स लेने और बाकी कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेने। सो अभी हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी हम लोग घर आ गए हैं एंड आई एम हैविंग दिस कबाब रोल, देव ने खा लिया है। सो हाँ अभी मैं आपको अपना रोल खाने के बाद मिलती हूँ। और यहाँ पे आ गया प्लूटो अपने बॉल के साथ। तो गाइज मैंने अपना रोल फिनिश कर लिया है और अब अभी 9:30 हो रहा है। तो हाँ अभी मैं अपना डिनर करूँगी, जो मैं अभी वैसे मैं कोई मन कुछ मन नहीं हो रहा खाने का, बट हाँ क्योंकि हम 12 o'clock तक जाएंगे और मिडनाइट सेलिब्रेशन करेंगे। सो यस आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सो या मेरे को अभी याद आया कि वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। सो गाइज फर्स्ट थिंग है ये बलून्स, तो हाँ इनकी जब हम डेकोरेशन करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। तो सेकेंड चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज ये मैंने लिया अमूल की फ्रेश क्रीम गनाश बनाने के लिए। हमारे पास वाइट कंपाउंड चॉकलेट पहले से थी और ये मैंने ली है डेरी मिल्क सिल्क, और ये नॉर्मल डेरी मिल्क है थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने के लिए, और सिल्क मैंने ली है मिडनाइट सेलिब्रेशन में पापा को गिफ्ट करने के लिए, और ये हैं टू जेम्स डेकोरेट करने के लिए। तो हाँ गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड हाँ प्लीज़ कमेंट करके अच्छे अच्छे आइडियाज़ दो वीडियो बनाने के। और हाँ अगर आपको हमारे जो हमने आज कार्ड्स बनाए थे हमारी प्रिपरेशन देख के कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हम लोग एक कल भी वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए पार्ट टू भी आएगा। हाँ तो अभी मैं इसके बाद कंटिन्यू करूँगी वीडियो मिडनाइट सेलिब्रेशन से लेके सब कुछ। सो यस मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।